हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास लीग ऑफ लीजेंड में ये एरर आ रहा है ट्राई टू रिकनेक्ट, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। अगर आप विंडोज़ 10 भी यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है विंडोज़ 10 की सेटिंग में जाइए। स्टार्ट मेनू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन, फिर आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पर से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ऑल सेटिंग को आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पर स्टेप टू, आपको विंडोज़ 11 के सेटिंग में आना है। स्टार्ट मेनू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में नेटवर्क एंड इंटरनेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है, फिर आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क रीसेट, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर रीसेट नाउ के ऊपर क्लिक कर यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ में जो नेटवर्क थे वो सारे यहाँ पर से रीसेट हो गए हैं। उसके बाद आप जो है फिर से वाईफाई को कनेक्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई तो आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। स्टेप थ्री आपको फॉलो करना है, विंडोज़ 11 के सर्च बार में आपको टाइप करना है कमेंड प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर ये कमेंड टाइप करना है, इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको एक और कमेंड टाइप करना है, इस तरीके से टाइप कर आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको कमेंड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। फिर आप स्टेप फोर फॉलो कीजिए, आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, ओके। आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में चेंज अडाप्टर सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए जो आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर। प्रीफर्ड DNS सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप करना है, अल्टरनेट DNS सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप कर देना है। फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक करके क्लोज कर देना है। आप यहाँ पर से सारे सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने PC या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, फिर आप लीग ऑफ लीजेंड गेम को ओपन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।